योगी राज सर्वानंद स्वामी के विषय में तो हिमालय का बच्चा बच्चा जानता है। एक समय जोशीमठ और उसके आसपास के सभी लोग उनसे भलीभांति परिचित थे। सर्वानंद महाराज ने हिमालय के अनेक स्थानों पर रहकर कठोर साधनाएं संपन्न की। जोशीमठ के पास भी वह बालेकुची गांव के निकट एक पाषाण गुफा में सहस्रों वर्षों तक साधनारत रहे। सन 1950 के दशक में जब बद्रीनाथ मार्ग की सड़क तैयार की जा रही थी, उस समय सड़क बनाने वाले मजदूरों को अनेक दिन तक एक ही आवाज बार बार सुनाई देती रही, मेरे मित्रों, तुम्हारे द्वारा यहाँ सड़क तैयार करना ठीक नहीं है। आपकी सड़क निर्माण की इस योजना में कई तरह की त्रुटियां हैं, इसलिए मेरे अनुमान से तुम्हारी बनाई यह सड़क ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं। सड़क निर्माण के बाद यहाँ भारी विनाश लीला देखने को मिलेगी। यद्यपि सड़क बनाने वाले वे इंजीनियर और उनके मजदूर आवास को लगातार नजरअंदाज करते रहे, इस प्रकार धीरे धीरे सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ता रहा। उसी दौरान एक दिन सड़क का रास्ता चौड़ा करने के लिए मजदूरों ने पहाड़ी चट्टान में बारूद रखकर उसे डायनामाइट से तोड़ने का प्रयास किया। डायनामाइट के तीव्र धमाके से वह विशाल चट्टान तो क्षण भर में चटक गई, किंतु चट्टान टूटने पर उसमें एक बड़ी सुंदर गुफा दिखाई दी। एक मजदूर यह देखने के लिए गुफा में उतरा कि यह गुफा अंदर से कैसी है। गुफा में प्रवेश के लिए जैसे ही मजदूर चट्टान की चोटी पर पहुंचा, गुफा के कोने में एक लंबे चौड़े धवल रंग की धोती धारण किए योगी को ब्याख चर्म के आसन पर पद्मासन मुद्रा में ध्यानस्थ देखकर वह इतना घबरा गया कि अचानक भयग्रस्त होकर वहीं बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद मजदूर को होश आया और उसने गुफा के अंदर के दृश्य और वहां ध्यानस्थ बैठे योगी के विषय में अपने अन्य साथियों को बताया, तब तक वह योगी उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। उसके बाद उनके सामने वह गुफा तो विद्यमान रही जिसमें वह योगी देखा गया था, किंतु उनकी आंखों से योगी सदैव के लिए अदृश्य हो गया। यद्यपि योगी को ढूंढने का अथक प्रयास किया गया, उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर कई मजदूर और इंजीनियर दौड़ाए गए, पर अंततः उनके समस्त प्रयास असफल सिद्ध हुए। जब इस घटना की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंची, तब जाकर कहीं पता चला कि वह गुफा स्वामी सर्वानंद महाराज की ही थी। गांव वालों को योगी राज पहले भी अनेक बार दर्शन दे चुके थे। गांववासी और आसपास निवास करने वाले साधु संतों से यह भी पता चला कि स्वामी सर्वानंद जी उस गुफा में सैकड़ों वर्ष से समाधि लीन है। बीच बीच में वह कभी कभार स्वयं को प्रकट करते हैं। वहां के सैकड़ों लोगों के ऊपर योगी राज की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। तथापि सड़क निर्माण करने वाले लोगों ने अपने अज्ञानवश योगीराज की गुफा को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। उस घटना के ठीक 2 साल बाद अलकनंदा में इतना बड़ा सैलाब आया। हिमालय के उस क्षेत्र में इतनी घनघोर वर्षा हुई कि अचानक अलकनंदा की बाढ़ में आसपास के सैकड़ों छोटे बड़े गांव बह गए। वर्षा के तीव्र प्रवाह के कारण ऊंचे पहाड़ों से गिरे भारी भरकम पत्थरों ने गांवों पर भारी तांडव मचाया। भूस्खलन और पानी के तीव्र बहाव के फलस्वरूप नव निर्मित वह सड़क भी पूरी की पूरी अलकनंदा में समा गई। बाढ़ में अलकनंदा का पानी सड़कों के साथ साथ सैकड़ों नर नारियों को भी अपने साथ बहा ले गया। सैकड़ों अन्य लोग पत्थरों के बीच नीचे दबकर मर गए। बालेकुची गांव तो उस बाढ़ में पूरी तरह से अदृश्य हो गया। फिर भी उस भारी विनाश लीला के बाद योगीराज सर्वानंद जी वहां कई बार दिखाई पड़े। बालेकुची गांव की गुफा से अदृश्य होने के बाद योगीराज गंगोत्री वास करने लगे। ऋषिकेश में आज तो मायाकुंड के पास गंगा जी एक धारा बनकर प्रवाहित है, किंतु उस समय तक वहां से गंगा जी दो धाराओं में बटकर बहती थी। गंगा की दोनों धाराओं के बीच में काफी भूमि स्थान था।
शीशम झाड़ी से पहले तक गंगा जी अपनी दो शाखाओं में विभाजित होकर प्रवाहित थी। उन दोनों धाराओं के मध्य एक छोटा टापू उभर आया था। वह टापू बालू और गंगा की धारा के साथ पहाड़ों से बहकर आए बड़े बड़े पाषाण खंडों से निर्मित था। उस छोटे से टापू के ऊपर भी अनेक तपस्वी साधक निवास करते थे और अपनी अपनी साधना में लीन रहते थे। उनमें से एक स्थान पर केशवानंद नामक अद्भुत संत भी निवास किया करते थे। उन्हीं से थोड़ा आगे महाप्रभु नामक एक योगी भी अपनी साधना में लीन रहते थे। चूंकि उस समय तक गंगा के ऊपर पुल का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए गंगा के मध्य बने उस टापू पर पहुंचने के लिए या तो नाव की मदद लेनी पड़ती या फिर तैर कर वहां तक जाना संभव होता। यद्यपि ज्यादातर साधु संत तैरते हुए ही गंगा की धारा चीर कर वहां तक पहुंचते थे। उस समय भी अद्भुत केशवानंद जी की उम्र 300 से अधिक वर्ष बताई जाती थी। केशवानंद जी अचानक 1938 के दौरान गंगा में आई बाढ़ के बाद वह स्थान सदा के लिए त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। केशवानंद जी ऋषिकेश आने से पहले अयोध्या, काशी, मथुरा, नेपाल, असम स्थित कामाख्या योनिपीठ और हरिद्वार आदि अनेक स्थानों पर रहकर 250 वर्ष से अधिक समय तक अपनी हठयोग साधना करते रहे। हिमालय गमन से पूर्व के 50 वर्ष उन्होंने ऋषिकेश में मुनि की रेती के पास मायाकुंड नामक स्थान पर एक पाषाण गुफा में व्यतीत किए। केशवानंद जी नाथ संप्रदाय के योगी थे। वह सदैव अद्भुत अवस्था में रहते थे। कहा जाता है कि सर्दियों के दौरान वे भोर के 3 बजे से लेकर प्रातःकाल 8 बजे तक गंगा की शीतल धारा में आकंठ डूबे रहकर और गर्मियों के दौरान गंगा की तपती रेत पर अपने चारों ओर पंचांगनी जलाकर और उसके मध्य बैठकर अपनी हठयोग साधना करते थे। ऋषिकेश के अनेक संतजनों का विश्वास था कि योग साधना के बल से उनके शरीर में इतनी शक्ति संचित हो गई कि उनके स्पर्श मात्र से विद्युत का तीव्र झटका महसूस होता था। साधारण आदमी तो उनके शरीर के हल्के स्पर्श मात्र से तुरंत झटका खाकर नीचे गिर पड़ता था। अद्भुत केशवानंद जी के विषय में सबसे विचित्र बात तो यह थी कि वे अल्पाहारी थे। दिन में केवल एक बार ही थोड़ा सा आहार ग्रहण करते थे। भोजन के लिए वे दोपहर के समय आसपास के किसी अन्य क्षेत्र तक जाते और चलते चलते उनके कमंडल में जो भोजन पड़ जाता उसे ही लाकर ग्रहण करते। उस भिक्षा के अलावा उनकी कोई दूसरी भौतिक इच्छा शेष नहीं रही थी। कई जगह ऐसे उल्लेख पढ़ने को मिलते हैं कि केशवानंद नामक वे अद्भुत संत 1980 के दशक के बाद भी बद्रीनाथ के आगे मुचुकुंद गुफा के पास साधनारत रूप में देखे गए। बहुत से लोगों ने बताया कि अद्भुत केशवानंद के साथ सदैव एक अंग्रेज योगी को साधनारत देखा गया है। केशवानंद जी के साथ अंग्रेज शिष्य सदैव सेवारत रहता है। उसके अलावा भी केशवानंद जी के साथ 5-6 योगी जन भी देखे जाते हैं। वह सब एक मंडली रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक विचरण करते रहते हैं। अंग्रेज योगी केशवानंद जी के संपर्क में 1866 के आसपास आया था। उसी दौरान उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और फिर उनके साथ ही रहने लगा। केशवानंद जी के सानिध्य में रहकर ही उसने 100 साल से अधिक समय तक हठयोग को सिद्ध किया। उस अंग्रेज योगी को कुछ नागा साधुओं ने 1986 के दौरान हरिद्वार में संपन्न हुए कुंभ मेले में देखने की बात कही थी। कभी कभी वह अंग्रेज योगी हरिद्वार के पास चंडी देवी के नजदीक नील पर्वत पर भी देखा गया। संभवतः इसी नील पर्वत पर कोई अन्य योगी जन भी साधना लीन हो, जिसे मिलने के लिए योगियों को बार बार यहाँ आना पड़ता हो।